हम नशा करने वालों से थोड़ी सी शिक्षा ले लें कि वो कोई चीज शराबी एक दिन हमारे वृंदावन में मिलती नहीं, बाहर का शराबी आ गया और हम खड़े थे अपने घर के सामने ऐसे नॉर्मल रूप में, बोले ओ भैया, हाँ जी भाई साहब, ये बताओ ये ठेका कहाँ है। मैंने कहा ठेका आप जाओगे तो यमुना पार है या मथुरा रोड पर है, मथुरा मिल जाएगा। बोले तुम्हारा राम भला करे भैया, हम बहुत देर से भटक रहे, कोई बता नहीं रहा, आपकी बड़ी कृपा। और साहब बिना वाहन के था, पैदल चल के 7 किलोमीटर गया और वहां आके बैल बजाई हमारी। पूरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी दवा मिल गई। मैंने कहा यार लोग 1 किलोमीटर बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाते, तू तो बांके बिहारी के भक्तों से बड़ा निकला, 7 × 14 चल के तूने अपनी दवा लेके आया। देखो मदिरा पीने वाले कितने समझदार होते। एक व्यक्ति बोला हमें कि महाराज जी आप एक बात बताएं। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले सारी दुनिया बेईमान है सारी। बोले हाँ, पर कुछ लोग हैं जो बेईमान नहीं। मैंने कहा मैंने समझा कि अच्छे ही लोगों में जो बेईमान नहीं है। बोले महाराज आपको बताएं, सारी दुनिया बेईमानी कर सकती है, मैं अच्छा भक्त भी कर सकता है, संत भी कर सकता है, लाला भी कर सकता है, पंडित भी कर सकता है, पर हमारे महकमा के कुछ खास लोग हैं वो बेईमानी नहीं करते। भैया बता दे। बोले नशा करने वाला कभी बेईमान नहीं होता, नशा करने वाला वो अगर पिएगा तो पिलाएगा भी, खाएगा तो खिलाएगा, उधार ले जाएगा तो वो पहले व्यवस्था उसको देगा, फिर उधार ले लेगा, फिर उसको पता तो ये कल फिर चाहिएगा, फिर देगा नहीं, तो इससे बेटर है हिसाब किताब बना के हम जाए चाय वाले के पास, हमें उधार नहीं देगा। पर नशा करने वाला होगा ना, उसे 1000 दे देगा, उसे पता है कि इसे यहीं आकर के माल लेना। सही बोला ना। तो नशा करने वाला बेईमान, सब बेईमान होते पर नशा करने वाला नहीं था। और एक और बड़ा गुण है, हम लोग जाएंगे ना मंदिर में जाएं, कथा में जाएं, तो लाइन को खूब बोलते हैं, हमें लाइन में चलो, लाइन में प्रसाद लो, हमारी कोई बात नहीं माने। पर ठेके वाले ने लाइन का बोला नहीं है, आप देखे कभी लाइन में ही लगेंगे। और कितने देखो साइंस वाले हैं वो लोग, वो आगे नहीं जाएगा, वो पीछे लगेगा, हैं बोलो। और नंबर नंबर का इंतजार करता है, कोटा में जाओ तो वहां वो लाइन तोड़ देगा, दर्शन में तोड़ देगा, कथा में तोड़ देगा, सब जगह लाइन तोड़ता है। पर शराब पीने वाला कितना महाराज साइंस वाला है, वो जब उसका नंबर आता है तब तक वेट करता है। और देखो ईमानदारी देखो, पहले वो पैसा देते फिर माल लेते। हम सब्जी लेने जाए तो पहले सब्जी लेते फिर पैसा दे दे ना भी दे, वो हुए ना ईमानदार। यहीं से शिक्षा ले लो, शिक्षा तो कहीं से ली जा सकती। हमको लाइन में चलना चाहिए, जो हम नहीं चलते नशा कर लेने वाला करता। कौन कौन शिक्षा लेगा नशा का, हमने तो ले रखी है। एक और बात बताएं, जो ठेके वाला होगा ना शराब नशे वाला, वहां जहां भीड़ होगी वो भीड़ में नहीं जाएगा, वो देखेगा कहां पर अकेले मिले वहीं पहुंचता है। और हम लोग कहां जाएंगे जहां भीड़ में। और हमारे ब्रज में क्या दुनिया में कहते हैं, भीड़ में गया सो भाड़ में गया, इसे भीड़ में जाने से बेहतर है भाड़ में चला जाए, ठीक है, पर भीड़ में नहीं जाना चाहिए। हम नशा करने वालों से भी शिक्षा ले सकते, कोई बुरा नहीं है।